G20 बैठक में लिए गए ऐतिहासिक फैसलों के लिए पीएम मोदी की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। पीएम मोदी को वर्ल्ड लीडर कहा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस को मोदी की तारीफ बर्दाश्त नहीं है। कांग्रेस की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। कांग्रेस की बेचैनी थोड़ी देर पहले जारी उसके बयान में साफ नजर आ रही है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने बयान जारी कर पीएम मोदी पर पाखंड का आरोप लगा दिया है। जयराम रमेश ने कहा कि पीएम मोदी G20 सम्मेलन में पर्यावरण क्लाइमेट एक्शन की बात कर रहे हैं, जबकि देश में जंगलों और जैव विविधता को बर्बाद कर रहे हैं, साथ ही आदिवासियों के अधिकारों पर हनन हो रहा है। तो G20 में लिए गए फैसलों को लेकर जहां एक तरफ पूरी दुनिया में भारत की वाहवाही हो रही है, पीएम मोदी के नाम की वाहवाही हो रही है, वहीं अपने ही देश में कैसे आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, वो ये ट्वीट आपको बताने के लिए काफी है। कांग्रेस पीएम मोदी के खिलाफ किस तरह बौखलाई है, ये कल से जारी हो रहे उसके ट्वीट से साफ नजर आ रहा है। कल कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो जारी किया गया था, जिसमें पीएम मोदी पर कई आरोप लगाए गए थे। वीडियो ही नहीं, कांग्रेस ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर पीएम मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक बनाने की कोशिश की गई। G20 से जोड़कर G20 में लिए गए फैसलों को लेकर, G20 में हो रही चर्चा को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डायरेक्ट अटैक किया है। एक तरफ G20 में जो ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं उसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है, दुनिया के बड़े बड़े देश कर रहे हैं, शक्तिशाली देश कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जो बयान दे रही है उससे कई सवाल खड़े होते हैं। कांग्रेस पीएम मोदी पर डायरेक्ट अटैक कर रही है, लेकिन G20 के मुद्दे पर कांग्रेस और इंडिया में कितनी फूट है यह हम आपको दिखाते हैं। कांग्रेस पीएम मोदी पर उनके खिलाफ हद से नीचे जाकर आरोप लगा रही है। वहीं कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने G20 बैठक की कामयाबी के लिए सरकार की तारीफ की है। उन्होंने इसे भारत के लिए गर्व का पल करार दिया है। कल जिस तरह आम राय से नई दिल्ली घोषणा पत्र को मंजूरी दी गई, उसके लिए थरूर ने अमिताभ कांत की तारीफ के पुल बांध दिए हैं। ये वही शशि थरूर हैं जिन्होंने G20 बैठक के फेल्योर होने को लेकर एक ट्वीट किया था। उन्होंने बताया था कि कोई आम सहमति नहीं बन पाएगी, लेकिन जब आम सहमति बनी, जब डिक्लेरेशन सामने आया, तो ये शशि थरूर सबसे पहले सामने आए। इन्होंने तारीफ की, देश की, अमिताभ कांत की तारीफ की और ये बताया कि ये कितना बड़ा कदम भारत के लिए है। इंडिया गठबंधन के सदस्य अखिलेश यादव की अगर आप बात करेंगे, ये भी मोदी पर हमलावर हैं। घोसी उपचुनाव में जीती समाजवादी पार्टी का कॉन्फिडेंस इतना हाई है, इतने उत्साहित हैं अखिलेश यादव कि उन्होंने G20 के जी को घोसी से जोड़ दिया है। अखिलेश ने एक्स पर ट्वीट कर पूछा कि कोई पूछ रहा है G20 में जी का मतलब घोसी है, यानी एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर G20 की तारीफ हो रही है, G20 में जो मेजबानी, जो शानदार मेजबानी भारत ने की है उसकी तारीफ हो रही है, तो वहीं G20 के जी को भी अब अपने अपने राजनीतिक मायने सेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस कड़ी में सबसे आगे अखिलेश यादव भी नजर आ रहे हैं। इसी पर करते हैं चर्चा। मेरे साथ खास मेहमान बने हुए हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर भी हमारे साथ हैं। देवेंद्र, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी, ये किस स्तर की राजनीति इस वक्त देश में है? एक तरफ जहां हर एक भारतीय का, हर एक हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है, भारत के लिए हुए फैसले, भारत का बढ़ता हुआ कद हमारे मान को बढ़ा रहा है, लेकिन विपक्ष को एक भी खूबी नजर नहीं आती। इसमें भी अपने अपने राजनीतिक मायने सेट करने की ये होड़ क्यों? बिल्कुल प्राची, और ऐसे समय में जब पूरी दुनिया में आपकी वाहवाही हो रही है, आपके देश की वाहवाही हो रही है, वो किसी लीडर की सिर्फ वाहवाही नहीं हो रही है बल्कि देश की हो रही है, उस समय अगर आप उसी समय यहाँ पर घरेलू राजनीति में ऐसी ऐसी टिप्पणी करें तो थोड़ी हैरानी ज़्यादा होती है। और उसमें यह समझ में भी नहीं आता कि आखिर किस राजनीतिक सोच के तहत ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि जनता में भी ये कोई बहुत अच्छा जाए ये कोई मानने वाली बात नहीं होगी, कोई भी ये नहीं समझ सकता और स्वीकार्य नहीं हो सकता इस तरह की बात करना। इसमें कोई दो राय नहीं कि घोसी का उपचुनाव का नतीजा अखिलेश यादव के लिए ज़बरदस्त सफलता है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि ये तुलना बेहद अप्रासंगिक और बेतुको सा है और इस चीज़ को इस रूप में तो पेश नहीं करना चाहिए। ऐसे समय में जब आपने जो बैठक की, और प्राची जिसकी बात हम लोग लगातार कर रहे हैं कि 220 बैठकें हुई हैं, 43 लीडर आए हैं, 32 नए देश आए हैं, अफ्रीका जैसा देश आपकी पहल पे शामिल हुआ, अफ्रीकी यूनियन, और इतनी सारी उपलब्धियों के बीच, और उसमें भारत लगातार डिमांड भी करते रहा कि आगे और क्या होना चाहिए। इस सबसे थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन फ्यूचर वाली बैठक में बाकायदा बताया कि जब यूनाइटेड नेशन बना था तो सिक्योरिटी काउंसिल के तब कितने में कुल सदस्य कितने थे और सिक्योरिटी काउंसिल का तब सदस्यों की संख्या कितनी थी, आज 200 हो गई है, 51 से बढ़कर 200 सदस्यों की संख्या हो गई है, तब भी आपके सुरक्षा परिषद के सदस्य सीमित 5 ही हैं, इसमें विस्तार होना चाहिए। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें जहां की जा रही हो जो कि भारत के हित में है, दुनिया के हित में है, अगर आप मल्टीलेटरलिज्म की बात कर रहे हो, वहां पर इस प्रकार की राजनीति को
घुसाया जाना निश्चित तौर पर बहुत हैरानी भरा है। ये जो एक माइन्यूट सी लाइन है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या इस लाइन को नहीं समझ पा रहा है विपक्ष के आप मोदी विरोध में देश का विरोध कर रहे हैं, आप देश की बदनामी कर रहे हैं, जिस तरीके की पिक्चर, जिस तरीके की वीडियो ट्विटर पर साझा की जा रही है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डायरेक्ट अटैक करके देश को बदनाम किया जा रहा है, क्या ये नब्ज टटोलने में विपक्ष विफल हो रहा है? देखिए प्राची जी, मैं तो ये कहूंगा कि अब विपक्ष की और अखिलेश जी की समझदारी जो है वो खतरे के निशान को पार कर गई है। जैसे कोई नदी बहती है और नदी में बाढ़ आ जाए, वो खतरे के निशान को पार कर जाए तो लोग उससे डरने लगते हैं क्योंकि वो जीवन लेने वाली होती है। तो कांग्रेस की और अखिलेश जी की समझदारी कुछ उसी स्तर पर पहुंच गई है। आप ऐसे समय में जब, और ये कोई ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक मंच सजा रहे हैं, वहां चारों तरफ से घेरेबंदी कर दी है और वहां अपने मन का कुछ भी कर रहे हैं। ये दुनिया भर के वो नेता आए हुए हैं जिनकी एजेंसियां हैं, जिनके जिन देशों से गवर्न होता है पूरी दुनिया का एक कहें कि तंत्र, जो इकोसिस्टम है, वो नेता यहां बैठे हुए हैं। और अगर वो स्वीकार कर रहे हैं कि भारत की अगुवाई में इतना बड़ा काम हो रहा है और हमारे देश के नेताओं की समझदारी खतरे के निशान को पार कर गई है, तो जनता तो अब डरेगी। क्योंकि जब आप ये इसकी तुलना करने लगते हैं ना, और आप देखिए कांग्रेस के जो ट्वीट्स आ रहे हैं, जो भी वो पोस्ट कर रहे हैं लगातार सोशल मीडिया पर, या तो उनको ये लग रहा है कि हम हताशा में वहां खड़े हैं जहां, चलो ठीक है, अब आत्मघाती हो जाते हैं, कुछ तो होगा, कोई तो नुकसान होगा मोदी का, यहां तक वो पहुंच गए हैं। लेकिन लोकतंत्र में ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है। और मैं फिर से कह रहा हूं कि जनता के बीच भरोसा तब बनता है जब जो हो रहा है और आप जो कह रहे हैं उसमें बहुत फर्क नहीं हो। नरेंद्र मोदी उस पर खरे उतरते हैं, आप लगातार उस पर लुढ़कते चले जा रहे हैं। ये स्लाइडिंग कब तक आपकी चलती रहेगी, कहां जाकर रुकेंगे, ये बहुत जरूरी है। लेकिन त्रिपाठी जी, आप विपक्ष, चलिए आप बीजेपी से नहीं सीख रहे हैं, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं देख पा रहे हैं, वो जो एक के बाद एक इतिहास रच रहे हैं वो आपको अगर नहीं हजम हो पा रहा है, लेकिन आप ही के नेता शशि थरूर अगर तारीफ कर रहे हैं, जो पहले सवाल उठा रहे थे G20 की मेजबानी पर, G20 के आयोजन पर फेल हो जाएगा, इस तरीके के ट्वीट उनकी तरफ से किए गए थे, आज वो खुलकर अगर स्वागत कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, तो क्या उससे भी सबक नहीं लेता विपक्ष के, हमारा ही नेता जब खूबी ढूंढ पा रहा है तो हम क्यों नहीं? नहीं, सबक बिल्कुल लेते हैं लेकिन सबक याद नहीं रख पाते। शशि थरूर ने जब भारत की संसद बन रही थी तो एक बार उसकी आलोचना की थी, लेकिन शशि थरूर ही दुनिया के एक दूसरे देश की संसद में थे और वहां से एक चित्र उन्होंने डाला, पोस्ट किया और कहा कि देखिए ऐसे होने चाहिए संसद हमारी। इस देश में सभी राजनीतिक दलों के सांसद कह चुके हैं कि भाई हमारी संसद अब बहुत आउटडेटेड है, वो बनी जैसे है कि अपग्रेड नहीं हो सकती। ऐसा नहीं, बिल्डिंग संरक्षित की जा सकती। बार बार ये सवाल उठता है कि दुनिया के दूसरे देशों में तो संसद चल रही, अपग्रेड नहीं हो सकती, आपके पास उस तरह की चीजें नहीं है कि अब आप उसको तोड़फोड़ करेंगे, कितना टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट करेंगे, कितनी जगह बनाएंगे। उस वक्त भी शशि थरूर ने बाद में तारीफ की थी। इनके अपनी पार्टी के नेता वो जब जितने, जिसको हम कहते हैं ना, जो फोरम्स होते हैं जहां टीम इंडिया होती है, यानी चीफ मिनिस्टर के तौर पर जाते हैं, वो कहते हैं कि हाँ सरकार अच्छा काम कर रही है। जितना राज्यों को कंपनसेशन देना होता है, जिसको हम कहते हैं वित्तीय साझेदारी, वो भी लगभग पहले से बेहतर है। पहले भी होता था कि बहुत सा हिस्सा रह जाता था, नहीं मिलता था। इस सब के बावजूद अगर आप सिर्फ और सिर्फ आलोचना करते हैं तो फिर आपकी कही हुई सही बात भी गड़बड़ लगने लगती है। वो ठीक ऐसे ही है कि जैसे बार बार वो कहानी सुनाई जाती है ना कि वो भेड़िया आया और सचमुच भेड़िया आया तो खा गया। यहां विपक्ष का हाल यही है कि वो रोज झूठ बोल रहे हैं, और सिर्फ यहां नहीं झूठ बोल रहे हैं, यूरोपीय यूनियन तक जाके झूठ बोल रहे हैं। तो अब इतना बड़ा बड़ा झूठ बोलेंगे तो सबक तो सब आता है उनको, लेकिन सबक याद नहीं रहता। लेकिन जनता को सारे सबक याद रहते हैं और लोकतंत्र में उस सबक का परिणाम भी हमको देखने को मिलता है। सरेश वाला जी, जैसे जयराम रमेश का ट्वीट हम दिखा रहे थे, आप देश के मुद्दों को अगर इंटरनेशनल मुद्दों से जोड़ेंगे, कंपैरिजन करेंगे और इसमें आलोचना आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करेंगे, क्या ये समझ पाना बहुत मुश्किल हो रहा है विपक्ष को कि अगर विदेशी लीडर्स, अगर महाशक्तियां देश में आकर देश के कल्चर को देख रही हैं, भारत को पहचान रही हैं, भारत की एक नई छवि लेकर जा रहे हैं अपने अपने देश वापस, इसको पहले आप बताइए, इसको पहले आप एड्रेस करिए जनता के सामने। देश में राजनीति होती है, आप सवाल उठाइए, आप विपक्ष में हैं, यह आपका अधिकार है कि आप सरकार को कटघरे में खड़ा करिए। देखिए, ये जो मुल्क के जो लोग आए सरबरा, उसमें खासतौर से अमेरिका के, यूरोप से, ये वो लोग हैं कि वो हर मुल्क में चूंटी कैसे चलती है ना, उसकी भी खबर रखते हैं। उनको कोई जयराम रमेश साहब या किसी के ट्वीट की जरूरत नहीं है। उनका जबरदस्त, और आज से नहीं, 100 साल से उनका निजाम है। उनको, वो जिन मुल्क में जाते हैं ना, उस मुल्क की पूरी खबर रखते हैं, यानी कोई सवाल ही नहीं पैदा होता।
और फिर वो जब जो तारीफ की, जैसे बाइडेन साहब ने बाकायदा उन्होंने वीडियो बना के डाली, बाइडेन साहब ने ये इस प्रोग्राम की कामयाबी की, फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर मैक्रोन ने कहा, हालांकि बहुत कम बोले थे मोहम्मद बिन सलमान, कल वो जब जो जो इकोनॉमिक कॉरिडोर के टाइम पे, तो उन्होंने अरबी में तारीफ की थी कि यहाँ आना बहुत बड़ा वो है। तो अब आप देखिए कि अगर आप G20 की नाकामी की बात करते हैं अगर, ठीक है, या आप जो तस्वीरें दिखाते हैं बारिश की वजह से या फ्लडिंग की या जो जो जो, जो दिखा रहे हैं, तो आप बताइए पहले कि ये जो G20 जो हो रही है हिंदुस्तान में, जो हुई बहुत कामयाब, तो उसमें नाम क्या बीजेपी का है? क्या ये बीजेपी का प्रोग्राम है? क्या ये नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम है? भाई ये हिंदुस्तान का प्रोग्राम है। कामयाबी या नाकामी अगर हुई तो वो हिंदुस्तान की है। कामयाबी हुई, चर्चा जो हो रही है पूरी दुनिया में।